आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर सहित दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। 22 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक 23 से 27 मई के दौरान आमतौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए सकते हैं। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज मौसम सूखा रहने की आशंका है और दक्षिण यूपी में लू चलने की आशंका है। 23 मई को यूपी में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। आज असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी ने 25 मई के दौरान असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका भी जताई है। इसके साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, गंगा, पश्चिमी बंगाल में अलग अलग जगहों पर बिजली, तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में भारी बारिश और तेज आंधी चलने की खबर है। कई जगह ओले गिरे, अंडरपास पानी के तालाब हो गया, तेज आंधी के कई पेड़ सड़कों पर गिरे। आज के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा के दक्षिण तट, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 22 मई को तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश संभव है और धीरे धीरे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान और विदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों में लू संभव है।